सब टीवी पर सबसे लंबे समय तक चलने वाला और सभी के दिलों पर राज करने वाला शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को 13 साल पूरे हो चुके हैं। शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपनी शानदार कॉमेडी, यादगार किरदार और परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग से अपने दर्शकों को एंटरटेन करते हुए आया है। शो को 13 साल पूरे होने पर शो की कास्ट डायरेक्टर ने अपने दर्शकों को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू बोला। शो के डायरेक्टर मालव राजदा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शो के 13 साल पूरे होने के जश्न की तस्वीरें शेयर की और लिखा, सो हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद द शो, कम्प्लीटिंग 13 ईयर्स टूडे एंड एंटरिंग आर 14th ईयर, होप वी कैन कीप मेकिंग अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइफ फॉर ईयर्स टू कम। शो तारक मेहता के उल्टा चश्मा को असीम कुमार मोदी ने प्रोड्यूस किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पहला एपिसोड साल 28 जुलाई 2008 को चैनल सब टीवी पर दिखाया गया था, जिसके बाद से ही शो ने अपने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। क्या आपको पता है इस शो की शुरुआत के बारे में? तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये सिटकॉम चित्रलेखा पत्रिका में तारक मेहता के वी कॉलम दुनिया से ऊंचा चश्मा पर आधारित है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा अब तक 3200 एपिसोड से भी ज़्यादा एपिसोड्स पूरे कर चुका है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कहानी गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाले रेसिडेंट्स, जो किसी न किसी तरह से अपने आप में यूनिक हैं, उनकी जिंदगियों के बारे में चारों तरफ घूमती दिखाई देती है। इस शो का हर एक कैरेक्टर, जैसे जेठालाल, बाबू जी, तारक, भिड़े, पत्रकार पोपटलाल, अपने आप में शो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शो में हर एक कैरेक्टर की अपनी जगह है और हर एक कैरेक्टर इस शो में अपना पूरा योगदान देता हुआ आया है और दर्शकों को एंटरटेन करता हुआ आया है। फैंस भी शो के 13 साल पूरे होने पर बहुत खुश हैं और शो की कास्ट को अपने अपने अंदाज में कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं। आई एम रिपोर्ट।